सो आज इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस टाइप की 2D एनिमेटेड वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सो आप भी इस टाइप की 2D एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस टाइप की एडिटिंग सीखने के लिए आपको ये दो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। सो डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल के किसी भी एक ब्राउज़र पर चले जाना है। ब्राउज़र पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। तो सिंपली आपको इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर टैप करना है। सो गाइस, वेबसाइट पे टैप करने बन फ्रेंड्स यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट बार विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो आपको अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो उन्हें देख के आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्रोमेट को ऐड करना होगा जिससे हमारी फ़ोटो जनरेट होगी। तो यहाँ पे मैं क्रोमेट को ऐड कर देता हूँ। तो ये वाला क्रोमेट है, तो ये क्रोमेट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। एंड इस वीडियो में जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा वो सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूँगा आपको, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो ये कर लेना। एंड यहाँ पे आपको प्रोमेट को वहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। सो ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली नीचे क्रिएट वाले बटन पे टैप करना है। क्रिएट वाले बटन पे टैप करोगे तो यहाँ पे ये आपको इमेज क्रिएट करके दे देगा कुछ ही सेकेंड में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। सो गाइस, इसने हमें 4 फोटो क्रिएट करके दे दिए जैसे कि देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको इनमें से एक फ़ोटो को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको इनमें से जो भी फ़ोटो पसंद आए तो सिंपली आपको इनमें से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सो सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली नीचे की तरफ 3 डॉट पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले बटन पे टैप करके इस इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एडिट ए फोटो इस वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से अपनी जो इमेज है जो हमने अभी डाउनलोड करी थी सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है। सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ रिमूव नाम से, तो यहाँ पे आपको इसको ऊपर टैप कर देना है। इसको ऊपर टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे इस वाली साइज को आपको बढ़ा लेना। ओके, अपने अकॉर्डिंग आपको इसको बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हम इसको 70 कर देंगे एंड यहाँ पे आपको इस फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेना। ओके, एंड यहाँ पे आपको इस इमेज की आईज एंड लिप्स आपको रिमूव करना होगा। तो सिंपली आपको इस इमेज के लिप्स के ऊपर टैप करना, मतलब यहाँ पे आपको ड्रॉ करना कुछ इस तरीके से। ओके, एंड यहाँ पे आपको इसकी जो आईज है आईज के ऊपर भी आपको ड्रॉ कर लेना। ओके, तो हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। परफेक्ट तरीके से आपको ये करना है। सो ये ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ रिमूव वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पे ये कुछ सेकेंड में ये तीनों चीजें रिमूव करके आपको दे देगा। सो यहाँ पे आपको अपना डाटा ऑन रखना है तो ये रिमूव होएगा। तो ये रिमूव हो चुका है जैसे कि देख सकते हो। ओके, एंड ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर राइट वाले बटन पे टैप कर देना है एंड यहाँ पे आपको इस इमेज को ऊपर एरो वाले बटन पे टैप करके सिंपली आपको इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो ये कर लेना। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको VN एप्लीकेशन ओपन करना है। सो ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर टैप करना है एंड ऊपर आपको न्यू प्रोजेक्ट इस पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से जो हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में हमारी इमेज के आईज एंड लिप्स जो रिमूव करा था तो सिंपली आपको इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है एंड नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे टैप करके इमेज को ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे हमारी इमेज ऐप में ऐड हो चुकी है जैसे कि देख सकते हो। तो इमेज का आपको लास्ट मान है, यहाँ पर आपको इस ऐप का वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको डिलीट कर देना है। सो वाटरमार्क को डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस इमेज के अंदर आपको आईज एंड लिप्स ऐड करना होगा। तो आपको सिंपली वो करने के लिए ऊपरी की तरफ वीडियो के ऊपर आपको टैप टू ऐड स्टिकर इस वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड वीडियो एंड फोटो इस पर आपको टैप करना है एंड आपको अपनी गैलरी में से एक वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। सो ये वाली वीडियो क्लिप है जैसे कि देख सकते हो। तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना एंड ऐप में ऐड कर लेना। सो ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना एंड यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रोमा की, आपको इस वाले बटन पे टैप करना है। ओके, एंड आपको इसको जो ये सर्कल है सिंपली आपको इसको नीचे की तरफ कर देना। ओके, सो ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे इंटेंसिटी इसको हाई करना है एंड स्पीड इसको भी हाई कर देना है।
एंड नीचे की तरफ आपको राइट वाले बटन पे टैप कर देना है। सो गाइस ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली ये जो हमारी जो क्लिप है मतलब ये लिप्स एंड आइज वाली, तो आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है ओके अपने फोटो के हिसाब से ओके। एंड आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करना है क्योंकि हमारा जो इसके अंदर फेस है ये भी हल्का सा रोटेट है ओके। एंड यहाँ पे आपको इसको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट करना है एंड यहाँ पे आपको इसको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आपको इसके फेस के अंदर आपको इसको एडजस्ट करना होगा ओके। सो यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुका है जिसे आप देख सकते हो ओके। कुछ इस तरीके से आपको ये कर लेना है। सो ये करने का उसको सिलेक्ट करना ओके। धन्यवाद।